कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी खबर। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी को लगने जा रहा है बहुत बड़ा झटका। दरअसल बात कुछ यूं है कि पश्चिम बंगाल के युवा कांग्रेस से बहुत ही माने जाने चेहरे, मतलब दरअसल बात यह है कि पश्चिम बंगाल के युवा कांग्रेस के बहुत ही माने जाने चेहरे मोहम्मद मेमून रजा ने हाल ही में रिजाइन कर दिया है। आप समझ सकते हैं कि मतलब बात कुछ यूं है कि नॉर्थ दिनाजपुर के युवा कांग्रेस के प्रेसिडेंट मोहम्मद मेमून रजा, जो कि पिछले 4 साल पहले अपने पॉलिटिकल करियर पर आए थे और पॉलिटिकल करियर बनाना चाहते थे, जिनका मानना ये था कि वो पॉलिटिकल से जुड़कर लोगों की सेवा करेंगे, लेकिन हाल ही में उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। जी हाँ, ये सब मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि पिछले कई दिन पहले बहुत बड़ा खुलासा सामने आया था। मोहम्मद मेमून रजा ने एक वीडियो क्लिप के जरिए ये बताने की कोशिश की थी कि मैं जो है अपने राजनीतिक दलों और राजनीतिक साथियों के साथ मिलकर पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पोस्ट से रिजाइन कर रहा हूँ। मतलब समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को कितना बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि नॉर्थ दिनाजपुर के जाने माने चेहरे युवा कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने अभी जो है हाल ही में रिजाइन कर दिया है। मोहम्मद मेमून रजा ने क्या कहा है, आइए चलिए सुनते हैं उनकी पहले बातों को। नमस्कार, আমি মামুন রেজা। তো বিগত 4 বছর আগে থেকে আমি রাজনীতি করছি এবং যখন আমি ক্লাস 19 এ পড়ি তখন আমার রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় জাতীয় কংগ্রেসের মাধ্যম থেকে। আমি রাজনীতিতে প্রবেশ করি, আমার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল জনগণের সেবা করা, জনগণের জন্য কাজ করা। কিন্তু বর্তমান ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের যা কৌশল, তাতে মনে হয় না যে আগামী 10-15 বছর বা 20 বছরেও বাংলার মাটিতে কোনো একটা ভালো প্রভাব এরা ফেলতে পারবে যার মাধ্যমে আমি কাজ করতে পারবো। তো যাই হোক, আমি আমার যারা রাজনৈতিক সাথী রয়েছে তাদের সাথে আলোচনা করে কথাবার্তা বলে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মোটামুটি আমরা আপাতত পদত্যাগ করলাম এবং আগামীতে আরও একবার আমরা আলোচনা করে একটা আসল সিদ্ধান্তে পৌঁছব। তবে একটাই কথা বলবো যে আগামীতেও আমি জনগণের জন্য কাজ করব। জয় হিন্দ।